महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार एक बार फिर आमने सामने है। हालांकि इस बार मामला महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ नहीं है, इस बार यूपीए पर कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना आमने सामने है। दरअसल ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि सोनिया गांधी की जगह एनसीपी प्रमुख शरद पवार यूपीए के अध्यक्ष बन सकते हैं। इस पर आड़े तिरछे बयान शिवसेना ने भी दिया था। हालांकि शरद पवार का नाम सामने आने से अंदर अंदर ही कांग्रेस नाराज हो रही थी, जिसके बाद एनसीपी ने भी एक बयान जारी किया है। एनसीपी ने मीडिया में चल रही उन अटकलों को खारिज कर दिया है जिसमें कहा जा रहा था कि पार्टी अध्यक्ष शरद पवार यूपी के अध्यक्ष बन सकते हैं। पार्टी के प्रवक्ता महेश तापसे ने कहा कि मीडिया में पवार की यूपीए की कमान संभालने की तथ्यहीन खबरें चल रही हैं। उन्होंने कहा कि एनसीपी स्पष्ट करना चाहती है कि यूपीए के सहयोगियों के बीच ऐसे किसी प्रस्ताव पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि मीडिया में जो खबरें आ रही हैं उनको किसान आंदोलन से ध्यान भटकाने के मकसद से कुछ लोगों ने फैलाया है। हालांकि शिवसेना नेता संजय राउत ने कल कहा था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार में देश का नेतृत्व करने के सारे गुण हैं। राउत ने मीडिया से कहा कि पवार के पास बहुत अनुभव है और उन्हें देश के मुद्दों का ज्ञान है और वो जनता की नब्ज जानते हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास राष्ट्र का नेतृत्व करने की पूरी काबिलियत है। यूपी के अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी की जगह पवार को लाने की मीडिया द्वारा लगाई जा रही अटकलों के जवाब में राउत ने कहा कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, आप नहीं जानते कि आगे क्या होगा। ऐसे में आने वाले कुछ दिनों में ही स्पष्ट हो जाएगा कि क्या सोनिया गांधी की जगह शरद पवार यूपी के अध्यक्ष बनते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।